ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ रहा करती थी। मानो चिड़े की जंगल में अपनी एक बहुत बड़ी खेत थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि नीलू चिड़िया और मानो चिड़ा अपनी फसल के पास गए और वहाँ पर बैठ गए और वह एक दोनों से बातें कर रहे थे। मीनू चिड़िया, जरा देखो तो दिन ब दिन हमारी फसल कितनी बड़ी और ज्यादा भरी होती और ज्यादा भरी होती जा रही है। हाँ मानो चिड़े, पर अगर हमारे पास फसल लगाने के लिए सामान थोड़ा ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ ही फसल लगा लेती। लेकिन पर मीनो चिड़िया, ये भी तो देखो ना कि हमारे पास तो एक ही कुल्हाड़ी है जिससे सारा दिन खेत से मैं ही सब्जियां काटता हूँ। अरे हाँ, यही तो मसला है। अगर हमारे पास सामान ज्यादा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ काम करती। चलो खैर, अब जो भी है, अब मैं घर वापस चलती हूँ क्योंकि मुझे भोजन भी तो बनाना है। फिर जब मैं भोजन बना लूँ तो तुम घर पर आ जाना भोजन करने के लिए। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़ा वही खेत में खुदाई कर रहा होता है। तभी खुदाई करते समय उसे खेत में से एक बड़ा सा मटका मिल जाता है। अरे, ये इतना बड़ा मटका इस फसल की मिट्टी के अंदर क्या कर रहा है? ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। अच्छा अच्छा, चलो मैं रात को घर जाते हुए इस मटके को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब पूरा दिन वे मानो चिड़ा काम करते करते थक जाता है। अरे भाई, आज कितनी गर्मी है, चलो मैं अपनी एक कुल्हाड़ी इस मटके के अंदर रख देता हूँ। फिर जाके एक पेड़ के नीचे मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद घर चला जाऊँगा। फिर मानो चिड़ा मटके में कुल्हाड़ी रख कर वहाँ पर आराम ही कर रहा होता है कि उसकी आँख लग जाती है। फिर अब काफी देर के बाद जब मानो चिड़े की आँख खुलती है, फिर वो जब उठ के देखता है तो क्या होता है कि जिस मटके में उसने एक कुल्हाड़ी रखी थी, अब वो दो हो गई है। अरे ये क्या, इसमें तो मैंने एक ही कुल्हाड़ी रखी थी। अरे अरे, ये क्या हो गया, मैं सो क्या गया, मेरे मटके में तो किसी ने दूसरी कुल्हाड़ी रख दी है। ये किसने मेरी मटके में दो कुल्हाड़ियाँ रख दी है। अच्छा चलो, अब जो भी है, अब मेरे घर जाने का समय आ चुका है। चलो मैं ये दोनों कुल्हाड़ियाँ अपने घर लेकर चलता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा अपने घर उस मटके और दो कुल्हाड़ियों के साथ आता है। अरे अरे मानो चिड़े, ये तुम्हें ये एक मटका और कुल्हाड़ी कहाँ से मिली जो तुम घर पर लेकर आए हो? अरे अरे नीलू चिड़िया, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये सब मुझे कैसे मिला। दिन भर जब मैं खुदाई कर रहा था तो मुझे जमीन के नीचे से ये मटका मिला। फिर सारा दिन खुदाई करने के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया था। फिर मैंने इस मटके के अंदर अपनी कुल्हाड़ी रखी और मैं आराम करने गया, लेकिन फिर मेरी आँख लग गई। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी एक कुल्हाड़ी की जगह अब इस मटके में दो दो कुल्हाड़ियाँ है। लेकिन फिर मेरे घर आने का समय आ गया था, इसलिए मैंने किसी से इसके बारे में कुछ न पूछा, तभी मैं इसको अपने घर लेकर आ गया। तभी मानो चिड़ा नीलू चिड़िया को वो सारी बात बता रहा होता है। अरे अरे मानो चिड़े, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई मटका है। इस मटके में अगर हम एक चीज डालेंगे और दो होकर निकलेगी। जैसे तुमने इसमें एक कुल्हाड़ी रखी और तुम्हें दो कुल्हाड़ियाँ मिल गई। मानो चिड़े, क्यों ना इस मटके के अंदर मैं अपने घर का राशन रख दूँ। अगर वो भी ज्यादा हो गया तो हम समझ लेंगे कि ये कोई जादुई मटका है। अब नीलू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर के मटके में अपने घर का अनाज डाल कर उसके ज्यादा होने के लिए इंतजार करते हैं। बस फिर क्या था, अब जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों उस मटके के अंदर देखते हैं तो उनका अनाज काफी ज्यादा हो गया होता है। अरे वाह वाह नीलू चिड़िया, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल ठीक निकला। सच में ये तो जादुई मटका है, देखो अनाज कितना ज्यादा हो गया। हाँ मानो चिड़े, चलो अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी जरूरत की सब चीज इसमें एक एक बार डालते हैं ताकि ज्यादा हो जाए। फिर अब वे दोनों अपने जरूरत का सामान उस मटके में डालकर
काफी ज्यादा कर लेते हैं। उसी गांव में मानो चिड़े और नीलो चिड़िया के घर के सामने ही एक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ज्यादा लालची थे। कालू कौवे की पत्नी गोरी बहुत ज्यादा तेज थी। वह अपने पड़ोस के सारे बातों का खबर रखती थी। इसीलिए जब उस दिन मानो चिड़ा और नीलो चिड़िया अपना सामान मटके में बढ़ाने के लिए डाल रहे थे, तब वो गोरी कौवी सब कुछ देख लेती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि मीनो चिड़िया और मानो चिड़े के पास एक जादुई मटका है। बस फिर क्या था, वो गोरी कौवी कालू कौवे के पास आकर कहने लगती है, अरे अरे कालू कौवे, तुझे पता है मैं क्या देख कर आ रही हूँ? अभी मैं मानो चिड़े और नीलो चिड़िया के घर में झांक रही थी। पता है मैंने क्या देखा उनके पास? मैंने देखा कि उनके पास एक जादुई मटका है। उस मटके में कुछ भी डालो तो वो डबल हो जाता है। वैसे कालू कौवे, अगर वह मटका किसी तरह हमारे हाथ लग जाए तो हमारे तो मजे ही मजे है। हाँ हाँ गोरी कौवी, ठीक है, वह मटका तो हमारे ही पास होना चाहिए था। अब देखना, आज रात ही हम उनके घर से वे मटका चुरा कर अपने घर को ले आएंगे। बस अब फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। नीलो चिड़िया और मानो चिड़े के सोते ही कालू कौवा और गोरी कौवी उनके घर से मटका उठाकर अपने घर में लेकर आते हैं। अरे कालू देखो, अब मैं इस मटके के अंदर अपना जेवर डालकर बढ़ाती हूँ। आहा, ठीक है गोरी कौवी, तुम ये करो, फिर मैं उसके बाद अपने घर का सारा अनाज इसमें डालकर बढ़ा लूंगा। फिर अब वे दोनों तो काफी ज्यादा लालची होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि पता नहीं उनके हाथ क्या लगा है। वह दोनों तो अब सब कुछ उस मटके के अंदर डाल रहे थे और डबल करते जा रहे थे। उन दोनों ने अपना घर तो सामान से भर लिया था। फिर अब अगले दिन जब मानो चिड़ा और नीलो चिड़िया जागते हैं, तो वह देखते हैं कि उनके घर से मटका तो गायब था। अरे देखो, हमारा मटका चोरी हो गया है और मुझे पता है कि ये जरूर किसका काम होगा। तुम्हें तो पता है, वो गोरी कभी सबके घरों में जागती है, जरूर उसने हमें देख लिया होगा और वह हमारा मटका चुरा कर ले गई होगी। हाँ नीलो चिड़िया, तुम सही कह रही हो, वे दोनों बहुत लालची हैं। वे जरूर उस मटके से चीजें ज्यादा कर रहे होंगे। चलो अब हम दोनों जल्दी जल्दी उनके घर जाते हैं। फिर अब वे दोनों जल्दी से कालू कौवे के घर में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि कालू कौवे और गोरी कौवी ने तो सारा घर जेवर और अनाज से भर दिया होता है। देखा मानो चिड़े, जैसा हमने सोचा था यहाँ पर तो उससे भी ज्यादा हो गया। अरे भाई कालू कौवे, तुमने हमारा मटका चुराने की हिम्मत कैसे की? अरे अरे नहीं, ये तुम्हारा मटका नहीं है, बल्कि ये तो मेरा मटका है। अगर ये तुम्हारा मटका है तो तुम कोई सबूत दिखाओ कि ये तुम्हारा मटका है। अरे वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो चीज भी हमारी है और तुम सबूत भी हमसे मांग रहे हो। अरे जो भी है, अब ये मटका हमारा है, अब हम ये तुम्हें नहीं देंगे, तुम दोनों इसे भूल जाओ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम दोनों के साथ। बस फिर क्या था, वो मानो चिड़ा गुस्से में आकर उस मटके को तोड़ देता है। उस मटके के टूटते ही कालू कौवे और गोरी कौवी ने जो सामान डबल किया था वो गायब हो ही जाता है और साथ साथ जो उन्होंने मटके में अपना सारा सामान डाला था वो भी चला जाता है। अरे भाई ये क्या किया तुमने मानो चिड़े, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हाँ कालू कौवे, हमारे सारे दाने और हमारा जेवर भी चला गया हमसे। हाँ कालू कौवे गोरी कौवी, यही तुम दोनों की लालच की सजा है। अब तुम दोनों यही पर बैठकर सोग मनाओ, हम तो चले जाते हैं वापस। फिर अब ऐसा कहकर वे दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं और फिर बस ऐसे ही कालू कौवे और गोरी कौवी को अपनी लालच की सजा मिल जाती है। वे दोनों अब अपने लालच की वजह से अपना सारा सामान भी गवा बैठे थे। फिर ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मानू चिड़े की फसल बहुत अच्छी तरह से उग जाती है। वे लोग अब दोबारा से खुश रहने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। टुनटुनी के हाथ में एक खूबसूरत सा पर्स था।
भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके हाथ में उस पर्स को देख लेती है और अपना रूप बदलकर टुनटुनी का पीछा करने लग जाती है। टुनटुनी जैसे ही दुकान पर पहुंचती है तो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहां पर पहुंचकर चुपके से टुनटुनी का पर्स चोरी करके वहां से गायब हो जाती है। टुनटुनी को इस बात का जरा सा भी शक नहीं होता, वे उस दुकान से बहुत सारा सामान खरीद लेती है। लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो अपना पर्स अपने साथ ना पाकर वे हैरान हो जाती है। अरे नहीं, मेरा पर्स कहाँ चला गया? सारा सामान यही रख दो। देखिए भैया, लगता है मेरा पर्स कहीं पर गिर गया है मुझसे। मैं बहुत दूर से शॉपिंग करने आई हूँ, आप मुझे सारा सामान दे दीजिए, मैं कल वापस आकर आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, बिना जान पहचान के मैं तुम्हें इतना सारा सामान कैसे दे सकता हूँ? अगर तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से चलती बनो। इतना कहकर वो दुकानदार टुनटुनी और उसकी सहेली को भगा देता है। फिर अगले दिन बबली कबूतरी कहीं जा रही थी कि उसके हाथ से उसका पर्स हवा में उड़ने लग जाता है। अरे नहीं, मेरा पर्स हवा में कैसे उड़ रहा है? बबली अपने पर्स का पीछा करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो पर्स काफी आगे तक चला जाता है। दूसरी तरफ वो पर्स एक पेड़ पर बैठी भूतिया चिड़िया की आत्मा के हाथ तक पहुंच जाता है। वे उस पर्स को ले जाकर अपनी गुफा में रख देती है। उसकी गुफा में काफी सारे पर्स रखे हुए थे। इस तरह से वो रोज किसी न किसी पक्षी के पर्स चुराकर अपनी गुफा में रख लेती थी। दूसरी तरफ रोज रोज अपना पर्स चोरी होने की वजह से सारी चिड़ियाएं और पक्षी परेशान हो गए थे। अरे मेरे तो पिछले 4 पर्स चोरी हो चुके हैं, इसलिए आज मुझे नया पर्स खरीदना पड़ा। मैं तो पर्स खरीदते खरीदते तंग आ चुकी हूँ, मेरे सारे पैसे तो पर्स खरीदने पर ही गया हो रहे हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो बहन, पता नहीं कौन हमारा पर्स चुरा रहा है, परंतु आज तक किसी ने उस चोर को नहीं देखा, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस पर्स वाले चोर को पकड़ना पड़े। वे दोनों वहाँ पर बात कर रही होती है कि हरी तोती वहाँ पर झट से भागते हुए आ जाती है। अरे अरे क्या हुआ हरी तोती, तुम बहुत ही डरी हुई दिखाई दे रही हो। अरे आज मैं कॉलेज से घर आ रही थी कि रास्ते में भूतिया चिड़िया की आत्मा ने मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और वे मेरा पर्स चोरी करके भाग गए। अरे लगता है यही भूतिया चिड़िया की आत्मा ही हम सब के पर्स चुरा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वे तीनों पक्षी उड़कर दूसरे जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे तीनों उसके गुफा के पास चले जाते हैं। तीनों जब गुफा के अंदर चली जाती है तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वे सब वहां पर अपने सारे पर्स देख लेते हैं। अरे नहीं, ये भूतिया चिड़िया ने तो यहाँ पर पर्सों का ढेर लगा रखा है, हम सबको इस भूतिया चिड़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। फिर अगले दिन तीनों सहेलियाँ एक बड़ा सा पर्स लेकर जंगल में चलने लग जाती है और इतने बड़े पर्स को देखकर भूतिया चिड़िया की आत्मा बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे ये पर्स तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है, इतना बड़ा पर्स तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैं अभी इसे इन चिड़ियाओं से छीन लेती हूँ। ये पर्स सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। इतना कहकर वे भूतिया चिड़िया की रूह उन तीनों सहेलियों से वे पर्स हवा में छीन लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो उस पर्स को लेकर अपनी गुफा में लेकर जाती है और उस पर्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस पर्स को खोलती है तो वहाँ पर एक
जोरदार धमाका हो जाता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा के शरीर में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस पर्स के अंदर तो बम था। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। लेकिन भूतिया चिड़िया की आत्मा बच नहीं पाती और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। इस तरह से वे तीनों पक्षी अपनी चालाकी से उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को खत्म कर देती है और गुफा के अंदर रखे सब पर्स उठाकर जंगल के सारे पक्षियों में बांट देती है।